एग्री कमोडिटीज के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से काफी उठा पटक का माहौल बना हुआ है। एग्री कमोडिटीज के अंदर एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी देखने को मिलती है, और आज भी काफी एग्री कमोडिटीज ऐसी हैं जो कि लाल रंग के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां मसालों के अंदर खरीदारी है, तो वहीं एडिबल ऑयल पैक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार भी आज अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, ग्वार के अंदर भी गिरावट है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी एग्री कमोडिटीज आज लाल निशान के साथ खुलती हुई दिखाई दे रही है। मसालों को छोड़ दें तो सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी है। सबसे पहले बात करेंगे कैस्टर की। कैस्टर जो लगातार 6000 का स्तर सस्टेन किए हुए था, अब तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। अक्टूबर वायदा में एक्सपायरी पास है, तो अक्टूबर वायदा हो सकता है कि एक्सपायरी के चलते दबाव इसमें घेराता हुआ दिखाई दे। लेकिन वही बात करें नवंबर वायदा की, तो नवंबर वायदा अभी भी 6100 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की गिरावट आज लाल रंग के साथ कैस्टर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। नीचे में 6080 के आसपास नवंबर वायदा में फिलहाल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात चने की जाए, तो चने के अंदर भी गिरावट है। चना भी ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, और आज चने के अंदर 5000 का घर जो है वो टूटता हुआ नीचे में दिखाई दे सकता है। चना फिलहाल लगता है कि नीचे में 4980 से लेकर 4960 तक आज इंट्राडे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, और ऊपर में 5060 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आई तो वापस से चने के अंदर 5080 से 5120 तक की तेजी बन सकती है। वहीं अगर बात करें बिनोला खल की, तो बिनोला खल में भी जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी वो आज भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन बिनोला खल में दिसंबर वायदा 2600 के ऊपर निकल चुका है, 2600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सोयाबीन के अंदर अदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो गिरावट है, उसका असर हमें बिनोला खल के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कपास ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, कपास अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है, और वही बिनोला खल को भी इसका सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इंट्राडे की अगर बात करें, तो दिसंबर वायदा में बिनोला खल जो है वो 2580 से लेकर ऊपर में 2620 तक की एक सीमित रेंज में घूम सकता है, और 2580 के नीचे अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 2540 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, और ऊपर में 2620 के ऊपर निकला तो 2660 तक की तेजी पकड़ सकता है। वहीं अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में आज रैली आई है। मसालों में आज हल्का हरा निशान जरूर है, लेकिन उम्मीद काफी पॉजिटिव, डिमांड निकलने की उम्मीद, और त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि अब धनिया और जीरा और हल्दी, ये तीनों मसाले अब अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं। धनिए के अंदर एक्सपेक्टेड है कि नवंबर वायदा 8200 के बाद ऊपर में 8500 तक की तेजी पकड़ सकता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म तेजी 8200 तक की बनती हुई दिखाई दे रही है। धनिए के साथ साथ बात करें जीरे की, तो जीरे में अभी बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि निर्यात मांग काफी लुढ़क चुके हैं जीरे के। जीरे में फिलहाल तेजी बनती हुई ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। जीरा लगता है कि नवंबर वायदा 14000 से 15000 की रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल जीरे के अंदर बाइंग करने से बचना चाहिए। वहीं अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी में जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दी है। हल्दी नवंबर वायदा आधा फीसद प्लस में जा चुकी है और 7300 के ऊपर है। हल्दी ऊपर में 7500 तक के स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। तो माना जा रहा है कि हल्दी के अंदर आज इंटरडे में हो सकता है आपको 7480 से लेकर 7500 के नवंबर वायदा में लेवल्स देखने को मिले। वहीं धनिया भी आज 8200 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर बात करें हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर जब कारोबार शुरू हुआ तो गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन वहीं गम में जहां तेजी है तो सीड ऊपरी स्तरों से फिसला है। गम तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर वायदा गम 10000 के ऊपर अभी भी सस्टेन है, दिसंबर वायदा भी 10000 के ऊपर है, और अक्टूबर वायदा भी। सबसे बड़ी बात कि तीनों वायदा 10000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करें, तो 5800 के ऊपर है, लेकिन आज लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ ग्वार भी दिखाई दे रहा है। तो ग्वार के अंदर अभी माना जा रहा है कि थोड़ा प्रेशर जो है वो बन सकता है। हफ्ते के कल आखिरी कारोबारी दिन हो सकता है थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दे, पोजीशन स्केयर ऑफ होती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर भारी उठा पटक पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। एकदम से बाजार 10000 के ऊपर जाता है और फिर नीचे जो है वो 9700-9800 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, तो जिसके चलते व्यापारी जो है अपनी ज्यादा लंबी पोजीशनें होल्ड नहीं कर रहे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हो सकता है कि दबाव घेराता हुआ दिखाई दे। तो ग्वार के अंदर फिलहाल जो है फिसलन बढ़ सकती है, एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी का भी जो है इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ग्वार के अंदर जिन्होंने भी बाइंग किया वो एक बार प्रॉफिट बुक करें, फिर निचले स्तरों पर अपनी खरीदारी की रणनीति लेकर
चल सकते हैं। ग्वार के बाद अगर आप नजर डालें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स भी आज पूरा लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन अक्टूबर तो 1% से ज्यादा लुढ़क चुका है, सोयाबीन पर धोनी मार पड़ती दिखाई दे रही है, लगातार गिरावट के अंदर कारोबार कर रही है ये कमोडिटी। नवंबर वायदा भी 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,000 के ऊपर बिकने वाली सोयाबीन आज 5,000 के घरों में काम करती दिखाई दे रही है। तो सोयाबीन में जबरदस्त गिरावट आई है और अब ये गिरावट यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जो लेवल है सोयाबीन के वो 5,500-5,800 की रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी 6,000 के नीचे ही बने रहने की संभावनाएं हैं। वहीं अगर बात करें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की, तो उसमें भी तेजी नहीं है, उसमें भी एक सीमित दायरा फिलहाल दिखाई देता है, 1,400 के नीचे है, 1,320 से लेकर 1,400 की रेंज फिलहाल बनती हुई है नवंबर वायदा में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए सरसों की, तो सरसों में भी उठापटक का माहौल है, सरसों भी ऊपरी स्तरों से ही लुढ़की है, जबकि त्योहारी सीजन के चलते सरसों में एक मांग की उम्मीद है कि सरसों में तेजी बन सकती है, लेकिन कितनी तेजी बनेगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर सरसों यहाँ से सस्टेनेबिलिटी आती है, तो सरसों के अंदर आप मान के चलिए कि ऊपर में अगर 8,500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी सरसों दिखाती है, तो वहां से फिर तेजी पकड़ सकता है, 8,800 से 9,000 का स्तर भी संभव है कि सरसों के अंदर देखने को मिल जाए नवंबर वायदा में। फिलहाल एक्सपायरी के चलते भी दबाव बना हुआ है और आगे त्योहारी सीजन भी है, तो उम्मीद है कि तेल की मांग बढ़ सकती है और इस वजह से सरसों की कीमतों में थोड़ा बहुत सपोर्ट आना यहां से संभावित है। तो माना जा रहा है कि नवंबर वायदा 8,400 के आसपास बाइंग किया जा सकता है और छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके अंदर, 8,340 का स्टॉप लॉस लगाना है 60 पॉइंट का, और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस जो है 8,500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको ऊपर में 8,800 से 9,000 तक खींचकर ले जा सकती है। तो 9,000 के स्तर सरसों में संभव है, लेकिन अगर ये स्तर इस हफ्ते के दौरान मतलब 15 से 20 दिन के अंदर ही संभव है देखने को मिल सकते हैं, अगर तेजी बनी तो ये 15 से 20 दिन में बन सकती है, अदरवाइज बाजारों के अंदर वहां से फिर गिरावट का दौर गहरा सकता है। तो 15-20 दिन की आप तेजी मान के चलिए सरसों में आ सकती है अगर आई तो, अदरवाइज उसके बाद जो है बाजारों के अंदर फिर से गिरावट हावी होती हुई दिखाई देगी। तो जिनके पास भी माल रखा हुआ है वो मेरे हिसाब से जो भी बाउंस बैक अब इस तैयारी सीजन के अंदर देखने को मिले वहां पर धीरे धीरे अपने माल को लिक्विडेट करते चले, ज्यादा लंबे समय तक अपने माल को होल्ड ना करें। और वहीं अगर नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर अगर आज बात करें इंट्राडे के अंदर कि ऐसी कौन सी कमोडिटी हो सकती है जो हमें मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है, तो मुझे लगता है कि मसालों में धनिया इस बार परफॉर्म कर सकता है, धनिया के अंदर बाइंग करना चाहिए। धनिया अभी जो 8,146 पर नवंबर वायदा कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 8,250-8,250 का स्तर संभव है आज या कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है। धनिया के साथ साथ मुझे लगता है कि हल्दी भी यहाँ से उठ सकती है, हल्दी के अंदर भी बाइंग की जा सकती है, हल्दी ऊपर में 7,400 तक आज इंट्राडे में जाती हुई दिखाई दे सकती है।